बात कर लें सीएम योगी के गोरखपुर और काशी दौरे की, जिसका दूसरा दिन है आज। गोरखपुर की बात करेंगे तो जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनने का कार्यक्रम है। खोराबार के बिलावार में तरकुलानी रेगुलेटर का शुभारंभ भी करेंगे सीएम। आदर्श इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। वहीं वाराणसी दौरा भी है, जहां पर निर्माणाधीन परियोजनाओं के स्थलीय निरीक्षण यानी ग्राउंड पर जाकर वहां पर निरीक्षण करेंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाके विश्वनाथ कॉरिडोर का भी निरीक्षण करेंगे सीएम, और अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी है। तो आज का कार्यक्रम गोरखपुर और वाराणसी का कुछ इस तरीके से। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं, नीतीश हमारे सहयोगी वाराणसी से हैं और नीरज श्रीवास्तव हैं हमारे साथ गोरखपुर से। तो पहले नीरज का रुक करते हैं। नीरज ये बताइए किस तरीके की तैयारी, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए सुनीता आपको बता दें कि बरसात में कहा जाए कि तोहफों की बारिश गोरखपुर के लोगों के ऊपर हो रही थी, इसमें कोई शक नहीं होगा। क्योंकि गोरखपुर जब भी आते हैं तो लेकर आते हैं, शिलान्यास लेकर लेकर आते हैं, और उन्होंने 62 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास लेकर किया था। और आज जो तरकुलानी लोकार्पण किया था, और आज जो तरकुलानी रेगुलेटर का पंपिंग सेट है, जो वर्षों से जब ये सांसद रहे तभी से मांग उठाते रहे हैं कि इसको बनाया जाए, जिससे लगभग 32,000 की आबादी ग्रामीण इलाके की प्रभावित होती है। हर साल बाढ़ जैसे ही बारिश शुरू होती है तो नदियों का पानी 2800 हेक्टेयर के खेत भी पानी में नदी के। बिल्कुल आपने सही कहा नीरज, क्योंकि देखिए इस बार जिस तरीके की बारिश पूर्वांचल में हो रही है या फिर पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है, वो एरिया काफी प्रभावित है। अब ऐसे में लोगों को राहत की उम्मीद भी होगी। हम रुक करते हैं नीतीश का और जानने की कोशिश करते हैं कि बहुत सारी चीजों के ग्राउंड पर उतरकर निरीक्षण का कार्यक्रम बताया जा रहा है। बताइए नीतीश किस तरीके की तैयारी? सुनीता अगर तैयारियों की बात करें तो आज अधिकारियों की परीक्षा का भी दिन है, क्योंकि हमेशा से सीएम आते थे, लेकिन पिछले दौरे को अगर खासतौर पर देखें तो पिछला दौरा सीएम का कार्रवाई का दौरा था। जिस तरह से पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी को उन्होंने सस्पेंड कर दिया, अब एक बार फिर सीएम आ रहे हैं, और सीएम के आने के साथ ही अधिकारियों के खेमे में कहीं ना कहीं सीएम के आगमन की दहशत दिखाई दे रही है। पूरी रात अधिकारी अपनी फाइलों को दुरुस्त करने में जुटे रहे। इसके साथ ही आपको बता दूं कि आज का दौरा कहां कहां होना है, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, इसके साथ ही गोदौलिया पार्किंग, गोदौलिया दशाश्वमेध, गोदौलिया के साथ मैदागिन मार्ग, दशाश्वमेध मार्ग, इसके साथ ही अगर बात करें तो जो नई सड़क के आगे जो पार्किंग बन रही है उसका भी निरीक्षण करेंगे, और इसके साथ ही बाबा का विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, जो विश्वनाथ धाम कॉरिडोर है उसका भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे, सारनाथ आरोबी का भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे, जिस आरोबी में पिछले कुछ अगर बात करें पिछले दिनों तो अब जो आरोबी की लंबाई है उसको छोटा करने की बात सामने आई थी। तो इन सारे विषयों पर कुल मिलाकर जितने भी प्रोजेक्ट आप बता रहे हैं नीतीश, वो बहुत ही प्राइम लोकेशन पर है और उन पर निगाहें देखा जाए तो खुद पीएम की भी टिकी रहती है, तो बेहद अहम मीटिंग होने वाली है। बिल्कुल सही कहा आपने, अधिकारियों के मद्देनजर पूरी फाइल चुस्त दुरुस्त होनी ही चाहिए।